कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी व मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना ने आज मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लड बैंक पर रक्तदान कर लोगों को इसके लिए जागरूक किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन दिनों कोटा शहर के सभी ब्लड बैंक में रक्त की कमी के चलते उनके द्वारा आज ब्लड दिया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि रक्तदान महादान है, किसी की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। गर्मी के दिनों में रक्त की सबसे अधिक जरूरत अस्पताल को पड़ती है। कोटा, राजस्थान। मौसम में रक्त की कमी आती है सरकारी अस्पतालों में, किस तरह की पहल? तरह से पहल नहीं, हमारी सबसे आह्वान है, देखिए जो रक्तदान है वो तो महादान है, किसी को जीवन देना सबसे बड़ा एक पुण्य का काम है और हम सब करते भी आए हैं। कई बार ये होता है कि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती, तो कई बार ब्लड बैंक में शॉर्टेज आ जाती है। ऐसी एक सिचुएशन का हमें ध्यान आया था, तो मैं और प्रिंसिपल मैडम, सुपरिटेंडेंट, हमारे जितने डॉक्टर साथी हैं, सब ने मिल के ये प्लान किया कि ऐसे बड़े कैंप आयोजित कराए जाने चाहिए और हमें खुद को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि दूसरों को मैसेज जाए। तो आज जो आप देख रहे हैं जितने यहाँ पे हैं वो सब लोग ब्लड डोनेट भी करेंगे। सभी संस्थाओं से और सभी कोटा के आम निवासियों से भी मेरा आह्वान है कि आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करें, ये महादान है, इसमें किसी तरह की शंका या झिझक ना रखें। आपने भी पहल करते हुए हमने भी मतदान किया। हाँ, पहले मतदान किया, अब रक्तदान कर रहे हैं, तो दान का बड़ा महत्व है इसीलिए, और अच्छी बात है। तो मैं हमेशा जब जब मौका मिलता है ब्लड डोनेट करता हूँ। मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि हर नागरिक को ये काम करना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल फैक्ट्री है, कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता ब्लड, शरीर में ही बनता है, और वो किसी के काम आए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।